मसीह खुदा में आपकी सामने प्रोग्राम आवाज़ के साथ आपका होस्ट अरुण यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल ड्रामा। नाज़रीन, आज जो स्टोरी या जो कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो नहायत दुख से भरी हुई और खास करके ये हमारे लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और जिस हस्ती से, जिस शख्स से मैं बात करने वाला हूँ, यसर उसका नाम है और वो एक साइल है, एक सादी है, ताकि वो अपने मसाइल को जो है वो आपसे बयान कर सके। तो नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो यसर नामी शख्स है ये दुल्हन का रहायशी है और यही रोजपुर रोड पे इसका घर है, लेकिन आजकल वो अपने घर से बेघर है और वजह जो है वो खुद ही बताएगा आपको कि इसके पीछे वजह क्या है कि वो आज अपने घर से दूर है। और खास करके इस बात को भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पे जब वो नेशनल न्यूज़नामा के स्टूडियो में आया और उसने नेशनल न्यूज़नामा के डायरेक्टर डॉक्टर फ्रांसिस सुधाकर साहब से बात की और अपने मसाइल को बयान किया, तो नाज़रीन ये जो मसाइल हैं, मैं इसको मसला नहीं कह रहा, मैं बल्कि इसको मसाइल कह रहा हूँ, क्योंकि वो मसाइल में घिरा हुआ एक इंसान है, एक शख्स है जो कि नेशनल न्यूज़नामा के स्टूडियो में आया और आज वो चाहता है कि उसकी आवाज को जो है वो अदालतों तक पहुंचाया जा सके, उसकी आवाज को उन तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि उसकी किसी तरीके से भी दादरसी हो सके और वो अपने मसाइल से छुटकारा पा सके। तो नाज़रीन, आए हम उनसे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके क्या मसाइल हैं और वो क्या चाहता है कि नेशनल न्यूज़नामा के पास आने का जो मकसद है ताकि वो यहां से अपनी आवाज को एक तो अदालत तक पहुंचा सके और ऐसे मौत पर लोगों तक भी पहुंचा सके ताकि उसकी जो आवाज है वो सुनी जाए और उसको इस मसाइल से छुटकारा हासिल हो सके। तो आए नाज़रीन उसे बात करते हैं। यसर भाई, आप यहाँ पे नेशनल न्यूज़नामा के स्टूडियो में आए हैं और जो भी आपके मसाइल हैं, जो आपकी बातचीत है, आप इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो बैठ के अपनी सारी बातचीत जो है वो खुले दिल से कर सकते हैं और आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका जो मसला है वो क्या है और खास करके आप यहाँ पे आए हैं और उसकी जो वजह है वो भी आपने बयान कर। हेलो सर जी, मेरा नाम यासर नसीह है, मैं वेस्टर्न गिरा देता हूँ कि इस तो पहले जेडी मेरी बेगम है कोम्बल और एक उपी जेडी थी और ये क्रिश्चियन थी और पहले मुस्लिम हो गई थी उसको पहले कि उधर मेरे का आराना जाना हो या शुरू को मैं उसको मना कर देता मना की था तो क्योंकि मैं अन्य जाना है कि उन्हें क्योंकि मुस्लिम हो चुकी है कि मेरे का आना वे तो मेरे का आज पर मसाइल होंड या मेरी बेगम फिर उधर प्रेशराइज होके उधर नाम चलते लेकिन उन्होंने मना किया लेकिन वो नहीं मना हुई उन्हें रात का रखा उधर नाल त्याग तो वो बच्चे ने मेरे कवर दे दो इन्हें नो छाड़ के मुस्लिम हो गई क्योंकि वो दिखो ने उन्हों क्या के तुम मुस्लिम हो यार तेरे छाड़ दे सारे का आज लड़ाई भाई उन्हें मुस्लिम हो गई हो तो उस तो बाद उन्हें इस सब हद तक चली गई है कि वो बच्चे ने हाथ करने वास्ते या कुछ भी करने वास्ते वो मेरे कतल भी करवाना चाहती है कई कहते हैं कि तुम मुस्लिम हो जा ऐ पंचायत की उन्हें रिक्वेस्ट के मेनू ना मुस्लिम करने वास्ते ते जेडी तुसी पंचायत लगवाई या उन्होंने लगवाई ओदे विच ताले खानदान दे लोग ते ओदे खानदान दे लोग शामिल सन नहीं साथी मैंने उन्होंने बुलाया है कि किसे गेम दे तहत बुलाया मैं उते एक राती वाला मैं मैंने बुलाया कि ते दिन उन्होंने पासा दी गल करनी तो मतलब मैंने फोन किया कि इत्थे आ बैक स्टाफ ते अच्छा मैं बैक स्टाफ ते गया उन्होंने कहा ही नवान दे कहा ही पंचायत लगाई मैंने क्या लड़का है ओदे घर जब पंचायत मैं गया करा ना ते मैंने वाले नाल किसी ने जा के उन्होंने तू कल्ले गई कल्ले ने देना कर उते गया उते 150 200 बंदा ही विच फुलमा काम नहीं मैंने कुछ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਹਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਵੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਵਾਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਉਸ ਘਰ ਰੋੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿ
ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ ਤੇ ਸੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜੇ ਨੁਮਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਸ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਤੇ ਅਭੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਲੈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਛੁਆ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕਿ ਜਸਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ 3 ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਜੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਵੋ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਭਾਈ ਜਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਕੋ ਜਾਨ ਸੇ ਮਾਰ ਦੀ ਤੋ ਕੀ ਆਪਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ ਉਨਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਵਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਲਮ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਆਸਮ ਨੇ ਹੂੰ ਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ਤਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਹੋਏ लेकिन कुछ भी नहीं किया है उल्टा मैनूं कहा इस केस तो पिछे हो गया ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਆ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਿਟ ਮੇਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਾ ਵੇ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਯਾਸਿਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੀਸੀਬੀ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ और उसने ये भी बताया है कि वो कोमल बीबी से कोई रابطہ नहीं रखना चाहता ऐसी है जी आज रابطہ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं रखना चाहता मेरे लिए वो मर चुकी है पहले दिन से
अब बात यह है कि वो हुकूमत से किसी तरह का कोई रابطہ नहीं रखना चाहता। अगर उसने अपने मजहब को छोड़ के अगर वो दायरा इस्लाम में चली गई है तो ये उसका ज़ाती फ़ैसला है और हम किसी को जो है वो फोर्स नहीं कर सकते। तो भी जब यसर नामी जो ये शख्स है तो ये चाहता है कि मैं अपने मजहब को तब्दील नहीं करूँगा और मैं किसी तौर से जो है वो दायरा इस्लाम में नहीं जाना चाहूँगा, तो क्या इसको अपने मजहब में रहने की आज़ादी नहीं है? अगर इसको अपने मजहब में रहने की आज़ादी है तो फिर क्यों जो लोग हैं जो कि एक तो बाइख्तियार लोग हैं और दूसरा वो रुपये पैसे वाले लोग हैं, तो क्यों इसकी जान के दुश्मन बने पड़े? अगर ये अपने मजहब को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर किसी और मजहब में नहीं जाना चाहता तो क्यों हम इसके जबरदस्ती जो है ये उसको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जरूर ही अपने मजहब को छोड़कर किसी दूसरे मजहब में दाखिल हो सके। तो नाजरीन, हम ये पैगाम आप तक इस प्लेटफॉर्म से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे क्रिश्चियन अदारे हैं, जो हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि खास करके हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों की रहनुमाई के लिए जो मौजूद हैं, और खासकर के बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि मुल्के पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हम अपनी हुकूमत को ये नहीं कहते कि वो कुछ नहीं कर रहे, तो भी बराए मेहरबानी आप जरूर यसर जैसे लोगों पर भी अपने कर्म की नजर डालें ताकि वो अपने मजहब में रहते हुए आज़ादी के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके। अगर वो उस औरत को अपने साथ नहीं रखना चाहता तो क्या ये उसकी मर्जी नहीं है कि वो उसको अपने घर में ना लेकर आए? अगर उमर जो है वो वापस अपने मजहब में नहीं आना चाहती या वो नहीं चाहती कि वो यासर के साथ रहे, तो फिर वो यासर को जबरदस्ती उस मजहब में ले जाने के लिए क्यों जो है वो बाअसर लोगों का इस्तेमाल कर रही है? नाज़रीन, ये पैगाम जो है ये हर उस शख्स का है, ये हर उस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों का है जो कि इस मुल्क में रहते हुए आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम उनको मजहब की तब्दीली की तरफ लाकर उनके मजहब की बेहरमती नहीं कर रहे? क्या हम उनके मजहब की तजलील नहीं कर रहे? क्या हम उन्हें अपने मजहब से दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे? अगर ऐसा नहीं है तो खुदारा यसर जैसे और बाकी लोगों का भी ख्याल करें जो अपने मजहब में रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर करना चाहते हैं। और नेशनल न्यूज़ नामा हमेशा ऐसे इश्यूज को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है ताकि एक तो लोगों की जान की हिफाजत की जाए और उनकी उनके माल की भी हिफाजत की जाए। खास करके अभी आप यहाँ भी ये छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, क्या इनको अपने मजहब में रहकर जिंदा रहने का हक नहीं है? क्यों लोग इनको धमकी दे रहे हैं? क्यों लोग इनको जो है वो उकसा रहे हैं कि आप अगर मजहब तब्दील नहीं करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे? क्या इनका मजहब इतना ही बुरा है कि वो अपने मजहब में नहीं रहे? अगर वो इतना ही बुरा मजहब है तो वो इस मजहब में पैदा ही क्यों हुए? क्यों उन्हें खुदा ने इस मजहब में पैदा किया? हम चाहते हैं कि आप यसर की आवाज बने, यसर के इस दुख में उसका साथ दें, क्योंकि यसर को इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है, यसर को इस वक्त आपकी पूरी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो अकेला तनहा इस मुश्किल वक्त में किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके रिश्तेदार उसके साथ नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ नहीं है, लेकिन नेशनल न्यूज नामा उसके साथ खड़ा है और वो चाहता है कि जो बाकी इदारे हैं वो भी उसकी सपोर्ट करें, क्योंकि माली तौर पर भी वो बहुत कमजोर है। अभी जब वो यहाँ पे आ रहा था तो मैं देख रहा था कि उसके बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, उसके बच्चे थोड़ी सी चीज खाने के लिए रो रहे हैं। जब वो किसी काम पर जाता है उसको काम पर नहीं रखा जाता, क्यों? क्या उसका हक नहीं है? वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? अगर वो पाकिस्तान का शहरी है तो उसके साथ बेगानों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या वो किसी और मुल्क से ताल्लुक रखता है? क्या वो कहीं और से आया है? वो इसी मिट्टी का बेटा है, वो इसी मुल्क का बेटा है और वो यहीं पे बड़ा है, यहीं पे बड़ा हुआ है, यहीं पे पैदा हुआ है और यहीं पे उसकी शादी हुई है। अगर उसकी बीवी चली गई है तो कम अज कम नाजरीन आप देख सकते हैं उसको तो जीने का हक है। बराए मेहरबानी आप जो है यासर की आवाज को अदारों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हर उस शख्स से इल्तमास है इस प्लेटफॉर्म से कि यासर आपके सामने है, अगर कोई उसकी माली तौर पर मदद करना चाहता है तो आप जरूर यासर से रابطہ कर सकते हैं। अगर आप उसको कानूनी तौर पर किसी तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं तो आप यासर से रابطہ कर सकते हैं ताकि उसको इस बात का पता मिले कि मैं तनहा नहीं हूं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है,
और पाकिस्तान के लोग मेरी इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ। नाज़रीन, इस पैगाम के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को देखें और जहां से भी मुमकिन हो सके आप यासर के लिए मदद तलाश करने की कोशिश करें ताकि वो अपनी जान को भी बहाल रख सके और अपने बच्चों की जो जिंदगी है उनकी भी सलामती जा सके। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारे को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।